तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है वेडिंग ट्रूजो एसेंशियल्स, जिसमें कि मैं कवर करने वाली हूँ ब्राइडल ट्रूजो को। नाउ ब्राइडल ट्रूजो में भी मैं सिर्फ नेक पीसेस कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नेक पीस जो कि ज्वेलरी एसेंशियल है वो है ये सिंपल वी नेक चोकर। इसमें जो है रेड और ग्रीन कलर के स्टोन का वर्क किया हुआ है, इसमें थोड़े से व्हाइट पर्ल्स भी दिए हुए हैं। नाउ दिस इज अ वेरी टिपिकल पीस, ये बहुत ही कॉमन है एंड हर किसी के पास ये एक होना ही चाहिए, क्योंकि ये सूट्स के साथ भी अच्छा लगता है, साड़ीज के साथ भी अच्छा लगता है, स्पेशली वेडिंग के पहले जो छोटे मोटे ओकेजन होते हैं लाइक पूजा एंड ऑल, उसमें यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस। या फिर वेडिंग के बाद में भी यू नो यू हैव टू विजिट टू सम रिलेटिव्स और समथिंग लाइक दैट, तो तब यू कैन वेयर दिस। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन पीस एंड एवरीबडी शुड हैव वन ऑफ दीज। मेरे हिसाब से पेंडेंट नेक पीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी होते हैं, हमेशा फैशन में रहते हैं, कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाते। सो पेंडेंट नेक पीस जो है वो मस्ट हैव होना चाहिए ज्वेलरी एसेंशियल्स में, ट्रूजो एसेंशियल में। आई हैव वन पीस विथ मी, सो दिस इज लाइक अ वेरी लाइट वेट पेंडेंट नेक पीस। इसमें आप देख ही सकते हो रेड एंड ग्रीन कलर के यू नो मोती लगे हुए हैं, इसमें थोड़े से स्टोन वर्क भी दिया हुआ है, डायमंड स्टोन वर्क भी दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पेंडेंट नेक पीस, आई मीन एकदम सही लेंथ है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। लुक्स वेरी नाइस विथ साड़ी, सूट्स, एवरी थिंग। एवरी वन मस्ट हैव अ पेंडेंट नेक पीस लाइक दिस। सो ये एक पहला ऑप्शन हो गया पेंडेंट नेक पीस का। आई हैव फ्यू मोर ऑप्शंस टू शो यू गाइज जो कि यू कैन हैव इन योर ट्रूजो कलेक्शन। नाउ मूविंग ऑन सेकेंड पीस ऑफ ज्वेलरी एसेंशियल, नेक पीस एसेंशियल जो होना चाहिए मेरे हिसाब से वो है कुछ इस टाइप का यू नो पेंडेंट नेकलेस। नाउ ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मोती वाला, रेड मोती वाला नेकलेस है। इट हैज़ अ वेरी स्मॉल पेंडेंट। नाउ दिस यू कैन वेयर बिफोर वेडिंग एंड ऑल्सो आफ्टर वेडिंग छोटे मोटे ओकेजन्स में। सो आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए, इट लुक्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी लाइट वेट, सूट्स के साथ भी अच्छा लगेगा, साड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा और एनी अदर ड्रेस इफ़ यू आर वेयरिंग, सो इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी नाइस डेफिनेटली। इसके साथ में इसके छोटे छोटे ईयरिंग्स भी है लाइक दिस, सो इसके साथ में आप यू नो लाइट ये पहन के एंड थोड़ा सा हैवी मेकअप कर सकते हो, सो दैट जस्ट लुक्स परफेक्ट। आई विश कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को आउटफिट्स के साथ में दिखा पाती, बट आई डोंट हैव दैट ऑप्शन राइट नाउ, अदरवाइज दिस वीडियो इज़ गोना बी सुपर लॉन्ग। सो या मेरे हिसाब से सेकेंड एसेंशियल ज्वेलरी एसेंशियल जो होना चाहिए वो इस टाइप का कुछ नेक पीस होना चाहिए। दिस वन अगेन हैज़ सम ग्रीन एंड रेड स्टोन वर्क। इसका चेन जो है बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा थिक चेन है एंड दिस इज वेरी लाइट वेट। दिस अगेन यू कैन वेयर इन सम स्मॉल ओकेजन्स, पूजा एंड ऑल दैट, बिफोर वेडिंग आफ्टर वेडिंग बोथ द टाइम्स यू कैन वेयर इट। इट्स नॉट कि वेडिंग के टाइम पे ही यू कैन वेयर दिस एंड देन उसके बाद में रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। मूविंग ऑन, अगला नेक पीस एसेंशियल जो होना चाहिए ट्रूसो में वो है पर्ल नेक पीस। नाउ पर्ल वाला पेंडेंट नेक पीस भी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। दिस इज़ अगेन वेरी लाइट वेट, इट हैज़ वाइट मोती वाला वर्क ऑल ओवर, दिस इज लॉन्ग नेक पीस, इट हैज़ दिस बिग पेंडेंट विच लुक्स रियली एलिगेंट एंड दिस अगेन पर्ल्स का तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, इट लुक्स रियली नाइस विथ एवरी थिंग, विथ सूट्स, विथ साड़ीज। सो दिस इज़ द नेक्स्ट नेक पीस दैट एवरी वन शुड हैव। पेंडेंट नेक पीस में एक और ऑप्शन जो हो सकता है वो है पूरा गोल्ड का नेक पीस। एज यू कैन सी दिस इज पूरा के पूरा जो है वो गोल्डन कलर का है। दिस अगेन इज लॉन्ग पेंडेंट नेक पीस, बड़ा सा पेंडेंट है, लुक्स वेरी एलिगेंट, वेरी क्लासी। दिस इज नॉट रियल गोल्ड बाय द वे, सो समथिंग लाइक दिस यू कैन ऑल्सो हैव। सूट्स के साथ में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा बट साड़ीज के साथ में डेफिनेटली इट लुक्स ग्रेट, सो यू कैन हैव दिस ऑप्शन एज वेल इन योर ट्रूजो कलेक्शन। नाउ नेक्स्ट नेक पीस एसेंशियल दैट एवरीबडी शुड हैव आई थिंक इज द लेयर्ड नेक पीस। दिस इज वेरी सिंपल, इट हैज दीज टू डिटेल्स यहाँ पे एंड देन लेयर्स है तीन। दिस इज़ वेरी मच इन ट्रेंड, लाइक ये कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाता है, दिस इज ऑलवेज ट्रेंडिंग। दिस लुक्स रियली नाइस विद ड्रेसेस, सूट्स, स्पेशली लहंगाज, जो हैवी लहंगाज हो गया या प्लेन लहंगाज हो गया उसके साथ में दिस लुक्स वेरी नाइस। काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेयर्ड नेक पीस नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, बड़े वाले भी आते हैं, बट आई थिंक दिस लुक्स वेरी एलिगेंट, इतना बड़ा साइज़ का ठीक रहता है। अगला नेक पीस जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है एंड बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है एंड हर किसी के कलेक्शन में होना चाहिए आई फील, वो है डेंटी नेक पीसेस। ना इस टाइप का कुछ डेंटी नेक पीस शुड बी देयर इन योर ट्रूसो कलेक्शन, योर ज्वेलरी कलेक्शन, बिफोर वेडिंग आफ्टर वेडिंग बोथ द टाइम्स यू कैन वेयर दिस एंड लुक्स वेरी एलिगेंट, वेरी क्लासी। नाउ दिस हैज़ सम डायमंड स्टोन डिटेल्स, रेड कलर के मोती भी है इसमें एंड दिस कम्स लाइक दिस, मतलब चोकर जैसा आता है ऑलमोस्ट, बट दिस लुक्स रियली नाइस। इसके साथ में आई हैव दीज स्मॉल इयररिंग्स, छोटा छोटा इयररिंग्स, सो समथिंग लाइक दिस शुड बी देयर इन योर ट्रूसो कलेक्शन। अगला नेक पीस जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो थोड़ा सा हैवी
इंटीरियर साइड पे थोड़ा सा हैवी है, बड़ा है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि उस टाइप का भी कुछ आपके यू नो ट्रूजो कलेक्शन में होना चाहिए, स्पेसिफिकली ज्वेलरी कलेक्शन में होना चाहिए, विच इज़ अ कुंदन नेक पीस. सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू गाइज टू बाय समथिंग लाइक दिस. पर्टिकुलरली इन दिस वन इट हैज़ 1, 2, 3, 4, 5 लेयर्स. सो यू कैन गो विथ समथिंग लाइटर जिसमें 2 लेयर्स हो, बट कुंदन नेक पीस शुड बी डेफिनेटली देयर इन योर ट्रूजो कलेक्शन. बिकॉज एट द वेडिंग यू हैव सो मेनी आउटफिट्स टू वेयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है, सूट, कुर्ती, लहंगा, ड्रेसेस, गाउन्स, साड़ी एंड ऑल दैट. सो यू शुड हैव फ्यू ऑप्शंस की व्हाट यू वांट टू वेयर. सो वो एक ऑप्शन हमारे पास में होना चाहिए कि हमें क्या पहनना है, कौन सी चीज़ के साथ क्या पहनना है. सो दैट विल रियली रियली हेल्प यू. सो या कुंदन नेक पीस इज़ अ मस्ट. नाउ अगला नेक पीस जो मैं शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा है, लाइक रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा है, एंड वेडिंग सीजन में भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, विच इज़ अ चोकर नेक पीस. सो आई हैव आई थिंक 4-5 चोकर्स विथ मी, बट आई एम जस्ट शोइंग यू वन इन दिस वीडियो टू गिव यू एन आइडिया कि कौन कौन से टाइप के नेक पीसेस होने चाहिए. सो आई थिंक चोकर नेक पीस भी आपके वेडिंग ट्रूजो ज्वेलरी कलेक्शन में होना चाहिए. सो आई हैव दिस वन विथ मी. दिस इज लाइक गोल्डन इन कलर, इसमें थोड़े से पिंक कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं. सो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा है ये चोकर डिजाइंस इन वेडिंग. सो आई थिंक यू शुड हैव अ पीस लाइक दिस. नाउ इस वीडियो में मैं जो भी नेक पीसेस शेयर कर रही हूँ वो सारे के सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं शेयर कर रही हूँ, एंड चॉइसेस डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती है, हर इंसान की चॉइसेस डिफरेंट होती है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो चीज़ें मैंने इसमें दिखाई है वो आपको भी पसंद आए, बट ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस किस टाइप की ज्वेलरी, किस किस टाइप के नेक पीसेस आपके ट्रूसो कलेक्शन में होने चाहिए. एंड डेफिनेटली डिजाइंस कैन बी डिफरेंट, यू कैन गो विथ वॉट एवर डिजाइन यू लाइक, सब कुछ आपके चॉइस पे डिपेंड करता है. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया किस किस टाइप के नेक पीसेज अवेलेबल होते हैं मार्केट में, देन अकॉर्डिंगली यू कैन यू नो बाय योर ओन ज्वेलरी. सो मेरे पास में कुछ हैवी नेक पीसेज भी है विच आई एम नॉट इंक्लूडिंग इन दिस वीडियो, क्योंकि मुझे इस वीडियो को थोड़ा सा एक बेसिक टाइप का वीडियो रखना था. अगर इफ एट ऑल यू गाइस वांट टू सी दोज नेक पीसेस एज वेल जो कि मोर ऑन दी हैवियर साइड है, देन प्लीज़ लेट मी नो. आई विल मेक पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो डेफिनेटली, एंड उसमें आई विल इंक्लूड वो जो हैवी नेक पीसेस है वो सारे. सो इस वीडियो में मैंने कुछ 4-5 नेक पीसेस के टाइप्स शेयर किए आप लोगों के साथ में. सो आई विल जस्ट क्विकली रन यू थ्रू एवरीथिंग. फर्स्ट वन डेंटी नेक पीसेस होने चाहिए जस्ट लाइक दिस. देन सेकेंड कुंदन नेक पीसेस होने चाहिए. थर्ड पेंडेंट नेक पीसेस होने चाहिए, समथिंग लाइक दिस, और यू कैन गो विथ अदर डिजाइंस. पेंडेंट नेक पीसेस में ही दिस इज अनदर टाइप जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. लेयर्ड नेक पीस होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. दूसरा यू कैन हैव पर्ल नेक पीस. दिस इज़ द पेंडेंट नेक पीस और काफ़ी लॉन्ग है ये, इसमें आप छोटा भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वाइट मोती वाला कुछ ना कुछ एक नेक पीस आपके पास. इसके अलावा बहुत ही बेसिक सा एक वी नेक चोकर होना चाहिए. दिस इज़ अ टिपिकल वी नेक चोकर एंड आई थिंक एवरीबडी शुड हैव वन. कॉमेंट करके ज़रूर से बताना इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी सेकेंड पार्ट फॉर दिस वीडियो. मैं उसमें और भी ज्वेलरी पीसेज इंक्लूड करूँगी एंड बहुत सारे हैवी पीसेज जो मुझे इंक्लूड करना है. एंड ऑल्सो इन नेक पीसेज में से आपको कौन सा वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी कॉमेंट करके ज़रूर से बताना. एंड या ये था मेरा फर्स्ट पार्ट वेडिंग ट्रूजो एसेंशियल सीरीज का, एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस एज वेल. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी, कुछ आइडियाज मिले होंगे. अगर अच्छी लगी है देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऑल्सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, उससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी एंड आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे. एंड या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन. Bye.